लोकसभा चुनाव के लिए जिस दिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी उसी दिन कांग्रेस को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की तरफ से तगड़ा झटका लगा। ITAT ने कांग्रेस पार्टी की इस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 210 करोड़ रुपए का जुर्माना रद्द करने की अपील की थी। अब कांग्रेस सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। ऐसे समय में इस पूरे मामले को कांग्रेस ने राजनीति से प्रेरित बताया है। इलेक्शंस एक प्रजातंत्र के एक फेस्टिवल होते हैं और उस फेस्टिवल के ईव पे हमें नोटिफिकेशन होने वाला है, हमको चुनाव लड़ना है। अगर इस तरह से आप हमारे अकाउंट्स को इस तरह सीज करके आप उठा के समान ले जाएंगे, पैसा ले जाएंगे, तो एक नेशनल पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। पिछले चुनाव में 860 करोड़ रुपए एज पर इनकम टैक्स रिटर्न्स कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में खर्च किए थे। अब की तो वापस उत्तर उसका एक चौथाई भी नहीं है। आप किस स्थिति में हमको छोड़ना चाहते हैं।